तो गाइस हम अभी हम लोग आ गए हैं इधर वापस अड्डा पे, हम पहुँच आए हैं। ठीक है, तो अभी इधर एक पठान भाई हमें मिले हैं। ठीक है, सो हम एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जाकिर। जाकिर भाई, यहाँ के कुछ हमें माहौल के बारे में आप आगाह करें कि यहाँ पे जहाँ पे जो लोग आते हैं, ठीक है, घूमने फिरने, ये टोटल सीज़न कितने टाइम का होता है और कब कब लोगों को आना चाहिए, आप इस बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करें या न्यूज़ को आगाह करें। यहाँ की मौसम सितंबर तक, यहाँ बक्सर सितंबर के बाद वहीं का रास्ता बंद होता है। आप ये हमें बताएं ना कि कब आना चाहिए लोगों को। बस इसी मौसम में आना चाहिए। और आप यहाँ के रहशी हैं आप? हाँ, यहाँ की रहशी। आपका कारोबार क्या है, क्या काम करते हैं आप? मैं कॉफ़ी और चाय बेच रहा हूँ। आपका ये जो पीछे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, कॉफ़ी का जो स्टॉल है यहाँ पे, हम आपसे कॉफ़ी भी पियेंगे, आपकी कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि जो टेम्परेचर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन बड़ी कम होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑक्सीजन का मसला बहुत होता है। 13,700 जो हाइट का मसला होता है, तो बायस खाया है ना, फिर ठीक होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सांस का जिन लोगों को मसला हो, ठीक है, कुछ दमे का मरीज है, आप उसको क्या मशवरा देंगे? यार वो उनका मर्जी है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको परेशानी का बस होगा ना, आप क्या कहना चाहते हैं? ऑक्सीजन का मसला हो गया तो इधर हमारा 112 वाला ये ऑक्सीजन का जो सिस्टम लाग के इधर इधर होता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जाकिर भाई, यहाँ पे एक चीज़ और मैं अपने ऑडियंस के लिए पूछना चाहता हूँ, ताकि इन लोगों को आसानी हो यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, इसी भी मिल जाते हैं? हाँ जी, मिल जाते हैं, रहने की जगह मिल जाती है। मैंने सुना है यहाँ पे कुछ साइड एरियो पे लोगों के घर हैं, वो भी बड़ी खिदमत करते हैं, अपने घरों में भी जगह। हाँ, वो इस बात की ताकत है। सच है, वो बात सच है, बिल्कुल। यहाँ के लोग मेहमान नवाज है बिल्कुल। गाइस, हमें तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया है, हमने बड़ा इन्जॉय किया है, ठीक है, टूर को। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास एक टूरिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ आपको आके कैसा फील हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। क्या नाम है भाई आपका? शेरगुल खान भाई, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से आप आए हैं। इतना लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपके क्या थाट्स हैं, आप यहाँ पहुँच के आप क्या फील कर रहे हैं? वहाँ से बहुत अच्छा लगा है, बहुत गहरा मौसम है, व्यू है वो बहुत प्यारा है। और हम सब लोगों को कहेंगे यहाँ है, बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ आके इंजॉय करें, मज़ा आते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। आप कितने दिन आपकी हो गए आप घर से? हमें एक वीक हो गए, हम एक वीक से यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आ रहा है। कितने मिनट चल गए आप? एक हफ्ता हो गया यहाँ पे आए हैं। 10 मिनट चल गए। आप बाकी भी सारा एरिया घूमते हुए आए? जी जी, हम पूरा एरिया घूम के आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा है, बहुत हम सब लोग यहाँ आए, बहुत मज़े से, यहाँ लोग बहुत मज़े से हैं, एरिया व्यू बहुत है यहाँ। मतलब आपका सिंपल लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया में किसी ने जन्नत देखनी है तो वो इन इलाकों में आ जाए। हाँ जी, वो नॉर्दर्न एरिया है, नारायण कागान, बाबूसरताप आए, चलास आए, उर्दू आए, फार्मेडो, बहुत से जगह, चाइना बॉर्डर, बहुत चले। अल्लाह आपके इस सफ़र को मज़ीद अच्छा बनाए, हमारी दुआएं। जाकिर भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ टूरिस्ट से भी गपशप लगाई है, ठीक है, यहाँ के मुकामी बंदे से भी गपशप हुई है, ठीक है। तो आपने ये सब आपने भी इंजॉय किया होगा, ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।